आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। झारखंड में कल 20 नवंबर यानी दूसरे चरण का मतदान होना है। मतदान सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक डाले जाएंगे, जिसमें कई दिग्गजों का भाग्य का फैसला कल जो है झारखंड की जनता जो है करेगी, जिसमें सबसे ज्यादा विधानसभा सीट जो है वो संथाल परगना की है। 18 सीटों में संथाल परगना में चुनाव होना है, लेकिन आपको बता दें कि 38 विधानसभा सीटों पर जो फैसला होना है उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय है हमारे साथ। आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी हो गए, फिर हेमंत सोरेन जो राज्य के इस वक्त मुखिया है उनका फैसला की बात की जाए, या फिर गांडे की विधायक कल्पना सोरेन, अमर बौरिक जैसे कई दिग्गजों का फैसला जो है कल झारखंड की जनता करेगी। कल कौन कौन से दिग्गजों का झारखंड में फैसला होना है, इनका सामना किनसे है, कितना कड़ा मुकाबला होने जा रहा है कल? देखिए, कल दूसरे चरण की मतदान होने जा रही है और जनता जनार्दन कल नेताओं को उनके काम के आधार पर कल उन्हें रिपोर्ट कार्ड सौंपने जा रही है। कई नेता क्षेत्र के जनता के बीच में जा रहे हैं और उन्हें उम्मीद है, भरोसा है कि इस बार जनता जनार्दन उन्हें आशीर्वाद देकर पुनः एक बार विधानसभा भेजेंगे। लेकिन कई जगह ऐसा चुनावी माहौल या फिर जनता जनार्दन से जब हम लोग क्षेत्रों में जाकर मुलाकात कर रहे हैं तो इस बार कई दिग्गज चेहरा जो चुनावी मैदान में है, चेहरे चुनावी मैदान में है, उनका सपना माननीय बनने का वो अधूरा रह जाएगा। क्योंकि आपको बता दूं कि एक परिवार के चार चार उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और कल जनता उनका किस्मत का फैसला बटन दबाकर करने जा रही है। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा बरहेट विधानसभा की। बरहेट विधानसभा में चुनावी मैदान में है सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन, उनकी टक्कर होने जा रही है बीजेपी के उम्मीदवार गमालिया जी से। आपको बता दूं कि जिस प्रकार से चुनाव का जो माहौल है इस बार बदला बदला है, एक तरफ पूरे झारखंड के तमाम विधानसभा में अगर कोई मुद्दा गूंजा है तो उस मुद्दे का नाम है बांग्लादेशी घुसपैठी, वहीं दूसरी तरफ अगर एक झारखंड में अगर चुनावी मुद्दा अगर कोई गूंजा है हर जनसभा में, तमाम बड़े नेता अगर उसका जिक्र किए हैं तो वो है मैया सम्मान योजना। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या मैया सम्मान योजना के माध्यम से जिस प्रकार से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, आर्थिक स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें 2500 रुपया देने का वादा किया जा रहा है महागठबंधन सरकार की ओर से, या फिर यूं कह ले कि महागठबंधन उम्मीदवारों की ओर से, उसमें JMM भी है, RJD भी है, कांग्रेस भी है, तीनों ही प्रत्याशियों के जुबान से अगर सबसे ज़्यादा इस 2024 के चुनाव में अगर चर्चा का विषय रहा और जुबान से अगर सबसे ज़्यादा किसी योजना का जिक्र किया गया सार्वजनिक मंचों से तो वो है मैया सम्मान योजना। आपको बता देना चाहता हूँ कि कल कई चेहरे ऐसे भी हैं जिनका प्रतिष्ठा दांव पर लगा हुआ है। मैं बात करने जा रहा हूँ कि महागठबंधन सरकार के बड़बोले मंत्री यानी कांग्रेस के उम्मीदवार, उनके पिताजी फुरकान अंसारी लंबे समय से उस सीट में कब्जा रखे हुए थे। मैं बात करने जा रहा हूँ जामताड़ा की। जामताड़ा में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रहा है। अब तक कल इरफान अंसारी का भी फैसला जामताड़ा की जनता जनार्दन करने जा रही। एक तरफ सीता और वहीं दूसरी तरफ हनुमान के राम कहे जाते हैं इरफान अंसारी यानी डॉक्टर इरफान अंसारी। मैं आपको बता देता हूं कि हनुमान इसलिए कहा जाता है यानी कि राम का दर्जा खुद हनुमान किसे दिए हैं, सूबे के मुखिया यानी हेमंत बाबू को प्यार से या फिर मान सम्मान के कह ले या फिर मजाकिया लहजे में इरफान अंसारी हेमंत बाबू को यानी हेमंत सोरेन को अपने कई भाषणों में या फिर पत्रकारों के सामने भी जिक्र कर चुके हैं कि वो मेरे राम है और मैं उनका हनुमान हूं। क्या एक तरफ हेमंत के राम और दूसरी तरफ हेमंत परिवार की सीता, क्या राम को पटखनी दे पाएगी?
ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्या जिस हनुमान के जिक्र करने जा रहा हूं डॉक्टर इरफान अंसारी, उनके गद्दा में कितना दम है वो कल जनता वहां दिखाने जा रहा है जा रही है। वहीं आपको बता देना चाहता हूं कि गांडे से इस बार चुनावी मुकाबला कुछ ज़्यादा ही दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि गांडे से एक तरफ शेरनी, क्योंकि जेएमएम की अगर कोई अगर स्टार प्रचारक अगर बन करके इस 6 महीना में अगर उभर करके कोई सामने आई है तो वो हैं गांडे की मौजूदा समय में विधायक कल्पना सोरेन। जिस प्रकार से उनकी चुनावी सभा पूरे झारखंड के अलग अलग विधानसभा में हुई है, उससे ये देखा जा रहा है कि इस बार पार्टी को लंबे अरसे के बाद एक महिला नेत्री मिला है, और वह एक ऐसा महिला नेता है जिनकी दहाड़ सुनकर विपक्षियों की पसीना छूटते हुए नजर आ रही है। कुछ सीट मेरे पास आकलन है, हम लोग रिसर्च करके निकाले हैं कि कुछ सीट झारखंड में ऐसा सीट है जैसे बरहेट। बरहेट में आपको बता देना चाहता हूं कि 2005 से 19 तक लगातार उस सीट पर सिर्फ और सिर्फ जेएमएम का कब्जा रहा है। शिकारी पाड़ा झामुमो का अपना पैतृक कहला या फिर पारंपरिक उस सीट पर उनका दबदबा है। 2005 से लेके 19 तक नलिन सोरेन लगातार जीतते आ रहे हैं। लिट्टीपाड़ा की बात करें तो लिट्टीपाड़ा में भी वहाँ की जनता 2005 से 19 तक जेएमएम के ही प्रत्याशी को जिताते आए हैं। डुमरी की बात करें तो डुमरी विधानसभा यानी कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो, जिन्हें झारखंड के टाइगर के रूप में जाना जाता था, हालांकि अब तो झारखंड में 3-3 टाइगर हो गए हैं, एक टाइगर हमारे बीच नहीं है, दूसरे टाइगर जयराम महतो और तीसरे टाइगर कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन। डुमरी विधानसभा की बात करें तो 2005 से लेकर 2019 तक लगातार जगन्नाथ महतो, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो वहां से चुनाव जीतते आए हैं, और उनके निधन के बाद पार्टी ने बेबी देवी को पहले मंत्री बनाया, फिर वहां पे उपचुनाव कराया, लेकिन वहां पर भी जीत हासिल हुई है। और इस बार आशू माफ कीजिएगा ताल ठोक रहे हैं वहां पे टाइगर, दो टाइगर चुनावी मैदान में है, एक तरफ पूर्व टाइगर है यानी पूर्व टाइगर के पत्नी बेबी देवी है, तो वहीं दूसरी तरफ है डुमरी विधानसभा से जेल केम के सुप्रीमो खुद जयराम महतो वहां से ताल ठोक रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो इस बार झामुमो कुछ ऐसी सीट है जहां पे उन्हें अपना पारंपरिक सीट को बचाने की भी जद्दोजहद होगी और उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वहीं मैं बात करने जा रहा हूं कि नाला में भी जेएमएम का कब्जा रहा है। 2009 को छोड़ दिया जाए तो नाला में भी उनका रहा है कब्जा। पाकुड़ की बात की जाए तो पाकुड़ सीट से जेएमएम का और कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। आलमगीर आलम के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी इस बार चुनावी मैदान में है। पोड़ैया हाट की बात की जाए तो पोड़ैया हाट की जनता अब तक प्रदीप यादव के प्रति अपार प्यार समर्थन जन समर्थन देते आ रही है, क्या इस बार जनता के दिलों में राज कर पाएंगे? चूंकि इस बार न झामिमो है या न कंघी है ना कमल है, क्योंकि सबसे पहले अगर चुनाव जीत कर आए थे प्रदीप यादव तो कमल छाप के निशान पर जीत के आए थे। 2005 में जब चुनाव लड़े थे कमल छाप के निशान पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, और उसके बाद 2009-2014 की बात की जाए, 19 की बात की जाए तो लगातार वो कंघी छाप से, हालांकि उनके जो गुरु थे वो कंघी की जगह वो संघी हो गए यानी बीजेपी में चले गए, और इस बार प्रदीप यादव उन्होंने उनकी विचारधारा अलग रही और वो विचारधारा के माध्यम से वो कांग्रेस ज्वाइन किए, और इस बार वो कांग्रेस के टिकट से यानी कांग्रेस यानी हाथ छाप के टिकट से चुनावी मैदान में हैं और वो महागठबंधन के उम्मीदवार भी हैं। वहीं बता दो कि पोड़ैया हाट के बाद महेशपुर सीट ऐसा है जहां पे स्टीफन मरांडी यानी कि कुछ ऐसा सीट है जहां पे जेएमएम का पारंपरिक सीट रहा है, जहां वो 3 बार 4 बार 5 बार से सिर्फ जेएमएम ही जीत रहा है, चाहे प्रत्याशी उम्मीदवार उनके कोई भी उम्मीदवार रहे जेएमएम की जीत तय होती है। इस बार आपको बता दो कि महेशपुर सीट से चुनावी रन कुछ टाइट फाइट की सीन बनते हुए नजर आ रही है। इस बार वहां पर बीजेपी ने पूर्व डीएसपी रह चुके नवनीत हेमब्रम को उम्मीदवार बनाया है, तो हो सकता है इस बार डीएसपी अपना कुछ
कमाल दिखा सकते हैं, नए चेहरे हैं, पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। अगर बात किया जाए बीजेपी के, तो बीजेपी का भी कुछ सीट ऐसा है जहां पे लगातार उनकी ही पार्टी की जीत होते रही है, सिर्फ उनका एक तरफा उनका जीत हासिल होते रहा है। बीजेपी चूंकि इस बार एनडीए में अपने आशू के साथी को रखे हुए हैं, और सबसे पहले जिक्र कर ले कि आशू का अगर सबसे पहले अगर जीत अगर 23 तारीख को अगर गुड न्यूज़ अगर मिल सकता है, तो वो सिल्ली सीट भी है जहां से आशू के उम्मीदवार सुदेश महतो लगातार 3-3 बार तक जीतते आए हैं, इस बार चौथी बार चुनावी मैदान में है। हालांकि इस बार खतियानी संघर्ष पार्टी के नेता भी रह चुके हैं और इस बार उन्हें रातों रात जेएमएम का उम्मीदवार बनाया गया है। जेएमएम के पहले भी वो विधायक रह चुके हैं, मैं बात करने जा रहा हूँ अमित महतो। वो अपने आप में युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं पूरे सिल्ली क्षेत्र में। आपको बता दूं कि वहीं चंदन क्यारी, हाँ, झारखंड में इस बार अगर कोई सबसे ज्यादा अगर कोई सीट हॉट है सबसे ज्यादा अगर चुनावी चर्चा में अगर रहेंगे 23 तारीख के सुबह 7 बजे से लेके शाम 7 बजे तक अगर किसी चेहरे के अगर इंतजार रहेगी, तो अमर कुमार बावरी की भी रहेगी। चंदन क्यारी से वो इस बार चुनावी मैदान में है, पहले भी वहीं से जीते थे। हालांकि इस बार खेला होने की उम्मीद है, चूंकि केला छोड़ के बागी उम्मीदवार उमाकांत रज्जक ने जेएमएम का दामन थाम लिया, और जेएमएम का दामन थामने के साथ ही रातों रात उन्हें भी हेमंत सोरेन देर नहीं किया और उन्हें भी पार्टी का पट्टा पहनाते ही उन्हें टिकट भी दे दिया, यानी कि पहले टिकट फिर पट्टा। इस बार हेमंत बाबू भी कहीं ना कहीं जिस प्रकार से चुनावी ताल ठोक रहे हैं बीजेपी वाला से ये भी सीख गए हैं। उसी तरह से गोड्डा सीट है जहां पे बीजेपी की लगातार जीत होते आ रही है। धनबाद सीट की बात कीजिए तो राज सिन्हा लगातार जीतते आ रहे हैं। राजमहल में भी हो सकता है बीजेपी का टक्कर, अपने अपोजिशन को विपक्षी पार्टी को वहां पे पटखनी देने के लिए तैयार हैं। हाँ, एक और सीट है, इस सीट का नाम है बाघमारा, यानी कि समझ लीजिए बाघमारा, यानी कि इस बार ढुल्लू महतो तो चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन ढुल्लू महतो के छोटे भाई, बड़े भाई माफ कीजिएगा, शत्रुधन महतो इस बार चुनावी मैदान में है, और ढुल्लू महतो के लिए भी ये चुनाव जीतना बहुत टफ होते जा रहा है, क्योंकि बाघमारा में भी महागठबंधन के उम्मीदवार है और प्रतिष्ठा का सवाल है। वहीं बात की जाए तो जमुआ से भी केदार हाजरा लगातार जीतते आ रहे हैं चुनाव बीजेपी के टिकट से। बाबा नगरी देवघर की बात करने जा रहे हैं, बाबा नगरी देवघर में नारायण को एकदम नारायण जनता जनार्दन करते आ रही है। तो आपको बता दूं कि नारायण दास दो बार चुनाव जीत चुके हैं देवघर सीट से। वहीं धनवार सीट, हाँ, बाबूलाल मरांडी जब अपना झाविमो का विलय किए थे उसके बाद से ही देखा जा रहा था कि बाबूलाल मरांडी का अंतिम इच्छा है 2001 से लेके, यानी कि झारखंड के बिहार से अलग होने के बाद अगर किसी मुख्यमंत्री को अगर मौका मिला था, किसी चेहरे को, किसी नेता को, तो वो थे बाबूलाल मरांडी, जिन्हें झारखंड का पहला मुख्यमंत्री बनने का खिताब भी हासिल है। लेकिन खिताब ऐसा बना, ऊपर वाले का करिश्मा बोलिए या फिर बाबूलाल मरांडी की किस्मत बोलिए, उन्हें जनता ने या फिर पार्टी ने, हालात ऐसे बनते गया कि उन्हें दोबारा सीएम बनने का मौका नहीं मिला। वो बड़ी अरमान के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ बीजेपी के आला कमान ने भी उन्हें भरोसा दिलाया कि आप हेमंत सोरेन को पटखनी दीजिए, यानी हेमंत सरकार की सरकार को उखाड़ के फेंकिए सत्ता से, हम आपको सीएम बनाएंगे झारखंड में दोबारा। यानी कि आपने अपनी पार्टी बनाया, झाविमो उससे नहीं बन पाया, चूंकि आपके पार्टी के तमाम विधायक जीतते गए, पार्टी बदलते गए, जीतते गए, चुनाव जीत कर आते थे। बाबूलाल मरांडी की भी नसीब कुछ ज़्यादा ही खराब रहा, और यही वजह रहा कि पार्टी विलय का केस लड़ते लड़ते स्थिति ये हो गया कि एक दिन समय ऐसा आया कि खुद ही विलय करने पर मजबूर हो गए, और उनके अंतिम दो ही प्लेयर बचे थे, एक तरफ बाबूलाल मरांडी, दूसरी तरफ पोड़ाया हाट के वर्तमान विधायक, मैं बात करने जा रहा हूं प्रदीप यादव की। प्रदीप यादव की विचारधारा अलग थी, वो चले गए कांग्रेस में, और एक नेता और थे
बंधु तिर्की चले गए, वो भी कांग्रेस में, तो बच गए बाबूलाल जी के पास कोई चारा नहीं बचा, वो चले गए भाजपा। तो इस बार देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि कई ऐसे चेहरे हैं जिनका जनता जनार्दन कल सुबह 7 बजे से लेकर कल शाम 5 बजे तक उनका बटन दबा के उनका कल किस्मत का फैसला करने जा रहे हैं। और कई भी ऐसे और चेहरे हैं जिनका किस्मत का फैसला होगा, हो सकता है एक दो नाम छूट गया है, लेकिन हाँ एक चर्चा ये भी करेंगे कि जामा सीट जहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो गढ़ रहा है दुर्गा सोरेन, वहां से चुनाव जीतते हैं, शिबू सोरेन जो है वहां से खुद चुनाव जीतते हैं, फिर सीता सोरेन जिनकी बात करते हैं जो जामताड़ा से भाजपा की जो प्रत्याशी है वो वहां चुनाव जीतते हैं। इस बार भाजपा से हाल ही में शामिल हुई लुईस मरांडी झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर जामा में चुनाव लड़ रही है। जामा में क्या इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना सीट बचा पाएगी या फिर वहां से सीट जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाथों फिसल जाएगा? देखिए जामा में खेला होना तय है, चूंकि जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनके पास में वो दम नहीं है कि जामा के सीट निकाल ले। पारंपरिक कुछ सीट रहता है जहां पे पार्टी किसी भी चेहरे, नए चेहरे पुराने चेहरे किसी को भी दे दे, पार्टी की जीत वहां पर निश्चित तय होती है। नए चेहरे को मौका नहीं दिए, भाजपा से शामिल हुई है लुईस मरांडी, उनको चेहरे लुईस मरांडी मंत्री भी रह चुकी है, भाई मंत्री रह चुकी है, विधायक रह चुकी है। लुईस मरांडी अंतिम समय में खेला किए है, देखिए कि भाई इधर से हमको टिकट मिल नहीं रहा है, बीजेपी से टिकट मिल नहीं रहा है, बीजेपी से टिकट के लिए वो उम्मीदवार थी, माने टकटकी लगा के वो लंबे समय से इंतजार कर दी 5 साल से, लेकिन उन्हें पार्टी ने मौका नहीं दिया, तो वो पाला बदलने का तो मौका यही रहता है चुनाव के वक्त में। तो इस बार पार्टी ने उन्हें जामा सीट अगर दिया है, जो कि शिबू सोरेन का वो परंपरागत वहाँ पे सीट रहा है लंबे समय, वो भी जीते, उनके बाद उनके बेटे भी दुर्गा सोरेन, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन भी वहाँ से किस्मत आजमाया, जनता ने उन्हें भी आशीर्वाद दिया, यानी कि वहाँ चला है तो एक ही निशान चला है, वो है तीर धनुष। तो इस बार अगर लुईस मरांडी वहां से हैं, चूंकि बीजेपी ने तो खेला कर दिया, बीजेपी ने खेला करते हुए उन्हें जामा यानी कि अपने, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऑन द कैमरा और लिख के रख लीजिए, सीता सोरेन के दिल में अभी भी कसक है कि भाई मेरा जिताऊ सीट जामा अगर देते हैं तो मैं ज्यादा जीत को लेकर आश्वस्त थी, लेकिन उन्हें पार्टी ने वहां से उम्मीदवार नहीं बनाया। और इस बार कसक है जामताड़ा से, भले वो दहाड़ रही है हनुमान जी को, एक तरफ सीता दूसरे तरफ हनुमान, लेकिन आपको ही पता है कि जामताड़ा में अगर किसी का चलता है तो सबसे ज्यादा फुरकान अंसारी और इरफान अंसारी का। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्या वहां पे सीता, क्योंकि जिस प्रकार से जामताड़ा सीट की बात की जाए तो जामताड़ा विधानसभा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो क्राइम के वहाँ के लोग मास्टर हैं, यानी कि वहाँ की जनता मेहनत मजदूरी करने पे विश्वास नहीं करती है, वहाँ के युवा इस कदर क्राइम के दुनिया में बादशाह कायम कर लिए हैं कि आज पूरी दुनिया में साइबर क्राइम के दुनिया में उनका बादशाहत कायम है और उनकी डंका बजती है, तमाम स्टेट की पुलिस उन्हें दियाबाती टॉर्च लेके उन्हें खोजते चली आती है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्या सीता वहाँ की जनता का विश्वास जीतने में कामयाब हो पाती हैं, क्या इरफान अंसारी साड़ी धोती बांटते हुए क्या वहाँ की जनता के दिलों में राज कर पाएंगे या फिर 6 महीना वाले तो रिटायर हो जाए। एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि ये गोमिया बात कर रहे, सॉरी माफ कीजिएगा, गांडे विधानसभा सीट जहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी चुनावी मैदान में, तो भाजपा जो है मुनिया देवी को प्रत्याशी बनाया, तो दोनों के लिए ये चुनावी कितना टफ रहेगा, दोनों आमने सामने हैं? देखिए कुछ बात ऐसा है कि जनता जनार्दन के साथ साथ पत्रकार भी इस बात को मानते हैं कि भाई गांडे सीट की बात की जाए तो जब महिला, एक घरेलू महिला थी गांडे सीट की उम्मीदवार, अगर उपचुनाव की बात किया जाए सरफराज अहमद को वहां से इस्तीफा दिला करके चुनाव में चुनावी मैदान में उतरी थी उपचुनाव में, हाँ तो वही कह रहा हूँ कि भाई हेमंत जी तो चले गए थे वनवास में यानी जेल चले गए, जेल जाने के बाद में, माफ़ कीजिएगा जेल नहीं गए थे, उनसे पहले ही जो है कि उपचुनाव होने का था, माफ़ कीजिएगा कुछ इसी तरह से सीन है, लेकिन आने के बाद उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ तो उसके स्टार प्रचारक के रूप में कोई नहीं था, स्टार प्रचारक यानी कि उपचुनाव में अगर कोई भूमिका निभाई है तो खुद कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में उतरे और जीत के दिखा भी दी। तो मुनिया देवी क्या
वहां पे जनता के दिलों में राज कर पाएगी या नहीं। क्योंकि गांडे की बात करें तो गांडे में इस तरह से आश्वस्त थी कल्पना सोरेन, अपना सीट में कम प्रचार कर रहे थे दूसरा प्रत्याशी के लिए, उम्मीदवार के लिए। आप देख लीजिए, मैं ये क्या बोलूंगा, आप देख लीजिए पूरे कल्पना सोरेन के चुनावी रूटीन देख लीजिए। वो ज्यादा सीट दूसरे के दूसरे प्रत्याशियों की प्रचार करते हुए ज्यादा आ रही थी, तो हो सकता है इस बार जीत को लेकर आश्वस्त होंगी कि वहां पर भी तीर धनुष चलेगा, हो सके कमल खिलने के जगह कमल मुरझा भी जाए। अब ये जनता जनार्दन तय करेगी। बस आप समझ लीजिए कि 3 दिन की सवाल है, कल 20 तारीख है, 21-22 72 घंटे की सवाल है, दिल थाम के बैठिए इस बार। लेकिन हाँ, एक तरफ बीजेपी कह रही है कि बीजेपी के बड़े नेता, आज अखबारों के बड़े बड़े हेडलाइन छपी हैं, बस 5 दिन के मुख्यमंत्री रह गए हेमंत बाबू, 5 दिन का उनका मुख्यमंत्री रहने का सपना पूरा कर ले। और सुदेश बाबू तो ये भी कह दिए हैं, यानी हेमंत सोरेन को आसू के सुप्रीमो सुदेश महतो ये तक कह दिए हैं कि 23 तारीख का सुबह नहीं देख पाएंगे। अब देखना बड़ा 24 तारीख वही है, 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, 24 तारीख का सुबह नहीं देख पाएंगे। वही बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं इस बार जेएमएम हाफ और कांग्रेस साफ। अब देखना दिलचस्प होगा, आप भी देखते रहिए लाइव इंडिया क्या होता है, कमेंट करके बताइए किसकी सरकार बनेगी, कौन सूबे का मुखिया बनेगा। एक तरफ जेलके वाले कह रहे हैं कि भाई जयराम महतो बनेगा मुख्यमंत्री बनेगा, तो जयराम बनेगा आपके नजर में। भाजपा जो है अपने मुख्यमंत्री का चेहरा जो है सामने लेके नहीं आई है, भाजपा में कई चेहरे हैं मुख्यमंत्री के, चंपई सोरेन की बात कर ली जाए, अमर बावरी की बात कर ली जाए, या फिर खुद बाबूलाल मरांडी जो सपना लगा के बैठे हैं कि मुख्यमंत्री हम होंगे। तो अभी तक भाजपा जो है अपने मुख्यमंत्री का चेहरा साफ नहीं किए। महागठबंधन बता रहा है कि हम हेमंत सोरेन के चेहरा पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो जेल के हम जयराम महतो की पार्टी बता रही है जयराम महतो हमारे मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं किया है मुख्यमंत्री का चेहरा, वजह क्या रहा है? देखिए, अगर कोई बोले कि नहीं मुझे बारिश से डर नहीं लगता, ठंड से डर नहीं लगती, लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि बीजेपी को डर है। कोई ऐसा चेहरा का नाम गिना दे, पता चले जनता जनार्दन उन्हें नकार दे, उनके चेहरे के दम पे वो चुनाव जीत ना पाए। 81 सीट तो छोड़ दिया जाए, 81 में से बीजेपी खुद 70 सीट में चुनाव लड़ रही है, 67 सीट में। तो सोच लीजिए कि अगर ऐसा चेहरा का ऐलान कर दे जिसके भरोसे पता चला कि 67 तो छोड़ दिए 17 सीट ना जीत पाए, तो बीजेपी को भी डर है। और जिस प्रकार से वो डबल इंजन सरकार की बात करते हैं या फिर 56 इंच सेना की बात करती हैं, तो भाई 56 इंच रहता तो कब का आप सीएम चेहरा का ऐलान कर देते। अगर बाबूलाल मरांडी की बात करें तो बाबूलाल मरांडी पूरे 5 साल मेहनत किए हैं, लेकिन चंपई जी जैसे ही आए 3-4 महीना पहले, उसके बाद से उनका नींद उड़ा हुआ है। और इस बार अगर जीत कर आए तो क्या उन्हें सीएम बना पाएंगे बीजेपी वाले, ये भी देखना है। आने तो बाबूलाल जी तो इस जन्म में अब सीएम बनने से रहे, चूंकि अब उनका देख लीजिए जिस प्रकार से ग्राफ गिरते जा रहा है, और बीजेपी कभी फ्रंट आकर कह ही नहीं रही कि भाई हम बाबूलाल जी को सीएम का चेहरा बनाएंगे, अब तक क्या किस बात का डर है। हालांकि उनके पास में 3-3, 4-4 हाँ, जाते जाते एक और सीट है पोटका विधानसभा, यानी कि केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और उन्हें जनता जनार्दन ने खूंटी लोकसभा से नकार दिया है। उस चेहरे का नाम है मीरा मुंडा के लिए भी ये चुनाव, और अर्जुन मुंडा के लिए भी ये चुनाव काफी प्रतिष्ठा का सवाल होने वाला है, काफी चैलेंज होगा। टाइट फाइट इस बार दोनों ही पार्टी दे रही है। एक तरफ हम हेमंत सोरेन अपने हिम्मत के माध्यम से विपक्षियों से टकरा रहे हैं भाजपा वाले से, तो वहीं एक नारा और भी रहा, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब देखना होगा जनता जनार्दन कल एक रहती है और सेफ कराती है, या फिर हेमंत बाबू के हिम्मत से इधर ही रहते हैं। तो यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अभी तक अपना मुख्यमंत्री का चेहरा सामने लेकर नहीं आई है। महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन खुले मंचों से कह रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद होंगे, तो जयराम महतो की पार्टी
लगातार ये कह रहे हैं कि जयराम महतो हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे, तो हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि झारखंड के अगले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे, तो भाजपा अभी तक ये नहीं बता पाई है कि हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में कई मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, चंपई सोरेन खुद मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, तो वहीं बाबूलाल मरांडी खुद मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जो है वो मुख्यमंत्री के दावेदार है। लेकिन आपको बता दें कि मुख्यमंत्री झारखंड का अगला कौन होगा इसके लिए तो आपको इंतजार करना होगा 23 नवंबर तक का। लेकिन कल झारखंड के 38 विधानसभा सीटों पर कई माननीयों का प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगा हुआ है। कल झारखंड की 38 विधानसभा की जनता जो है वो झारखंड का भविष्य तय करेगी, क्योंकि कोल्हान की सबसे अधिक सीट 18 सीट जो है वो जिस पार्टी के खाते में 18 सीट जाती है वो पार्टी का विधायक दल का नेता झारखंड का अगला मुख्यमंत्री होगा। हालांकि इसके लिए फिर से हम आपको कह रहे हैं 23 नवंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। झारखंड में एक और मुद्दा जो है वो काफी गर्माया हुआ है, बांग्लादेशी घुसपैठी। वहीं बात की जाए तो संथाल की अभी चुनाव चल रही है, सेकेंड फिर में संथाल में चुनाव होना है, तो संथाल के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि डेमोग्राफी जो है वहां का चेंज होते जा रही है, तो वहीं संथाल जो है हेमंत सोरेन यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता है। क्या हेमंत सोरेन की गढ़ में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी जो है जनता को लुभाने में कितना सफल होती है, ये तो देखने वाली बात होगी। 28 नवंबर को ये पता भी चल जाएगा। लेकिन कल झारखंड की 38 विधानसभा सीटों में झारखंड की जनता 528 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला करने वाली है। इस खबर में इतना ही, देखते रहिए लाइव इंडिया हरपल। नमस्कार।